बहुत मतलब खतरनाक हुआ, घुसा, थप्पड़, लाठी लेके, लाठी, हाथापाई, बहुत कुछ हुआ था। सुसाइड मतलब हाथ भी काटा, बहुत कुछ किया। मम्मी पापा ने ये बोला ठीक है मरना है तो मर जाओ। मुझे अपने मौत का भी डर नहीं है, मारना है मार दो मुझे। বাদাম খাজা খাবেন, রানাঘাটে তৈরি গজা খাবেন, 10 টাকা করে দাম, খাস্তা মজবুতি গজা খান। मैं एक ट्रांसमैन हूँ, ये मेरा पार्टनर, मेरा गर्लफ्रेंड है। तो हम लोग 7 साल से 8 साल से हम प्यार कर रहे हैं, अभी तक शादी भी नहीं कर पाए। 3 बार हम लोग घर से भागे क्योंकि घर वाले ने किसी ने माना नहीं। तो मैं बोलती थी कि वो एक लड़का है, वो एक लड़के से फील करता है। सब मुझे पूछते थे क्या सच में वो लड़का है, क्या तुमने देखा है वो लड़का है। मैंने बोला नहीं नहीं वो लड़की है, पर उसका जो फीलिंग है वो लड़का वैसा है। तुमने देखा कि वो एक लड़की है, मैंने उसके अंदर की फील को देखा कि वो एक लड़का है। पहली बार जब उसको मैंने देखा था तब इसको नहीं पता, मैं बोलूं इसको नहीं पता, इसने मुझे एक निगाह देखा तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये लड़की है तो ये ऐसा क्यों देख रही है मुझे। उसके निगाह कुछ लड़कों के जैसे था तो मुझे तभी बहुत अजीब लगा। तब मैं 13 साल की थी। मैं जब 7 साल का था तब मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं तो औरों से थोड़ा अलग हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक गांव टाइप है, बहुत बड़ा गांव है। पहले लगता था कि मैं ही ऐसा हूँ या दुनिया में और भी ऐसे है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता था मन में। क्योंकि मुझे सजना सबरना, सलवार पहनना, बड़ा बड़ा बाल रखना, ये सब कुछ पसंद नहीं था। फिर भी घर वाले बोलते थे ऐसे क्यों रहोगे, जीन्स क्यों पहनोगे, ये क्यों पहनोगे, बाल क्यों छोटा करोगे, बहुत प्रॉब्लम रहता था। अगर घर में बाल कटवाते तो गर्दन ही काट डालते, शायद जिंदा ही नहीं रहते। जब हम लोग ने पहली बार भागा, मम्मी पापा लेके आए, तो बहुत मारपीट हुआ, बहुत मारा। घर से बाहर मत जाओ और किसी से बात भी मत करो, कुछ भी नहीं, पढ़ाई लिखाई भी मत करो, कुछ भी करना नहीं पड़े। मुझे हिचड़े विचड़े बोला जाता था कि तुम ठीक नहीं हो, तुम मेरे फैमिली में बहुत टॉर्चर हुआ कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं है। लोग मुझे मजाक उड़ा देते थे मेरा कि हाँ तुम लड़की नहीं हो, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ऐसे बहुत बातें बोलते थे मुझे। उनका मानना है कि शादी दे दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, लड़के से शादी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी बीमारी है, वो कुछ दिन में चले जाएगी। जब भी सोचता हूँ तो थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जाने लगता हूँ। हाँ अपने ही ऐसे कैसे कर सकते, इतना कठोर कैसे हो सकते अपनी मम्मी पापा। कभी लगता है शायद दूसरा मम्मी पापा होता तो बहुत अच्छा होता। कई बार इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाथ भी काटा था, बहुत कुछ किया। तो मैंने हर बार इसको रोका कि सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, वो चीज़ से बाहर आओ, जो एक्सेप्ट नहीं करती है उसको छोड़ो, उस चीज़ से बाहर आओ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ना, ये काफ़ी नहीं है क्या, चलो हम अपने एक फैमिली बसाएंगे। तैयार किए जिसमें से फिल्म चांदनी का गाना मेरे हाथों में नौ चूड़ियां है, उसके डांस स्टेप को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। घर छोड़ना बड़ी बात होती है, पर घर में एक कैदी को रखे जैसा फील होना वो उससे बड़ी बात होती है। जब घर छोड़ के सोचा, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, घर ही तो छा रहा है हम लोगों का, जाएंगे कैसे, लोग कैसे होंगे, बाहर के लोग कभी देखे नहीं। डर तो बहुत लगा, फिर लगा नहीं ये आज़ादी भी हो सकती है हम लोगों के लिए अगर अच्छे से हम लोग रहे तो। जियो ने हम लोग
को बहुत मदद किया, इसलिए आज यहाँ पे भाग के आ पाए। पुलिस स्टेशन, मैंने पुलिस स्टेशन गया, जाके बोला ऐसे ऐसे मेरे को एक रिपोर्ट करना है। ये पुलिस वाले हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि लड़की लड़की प्यार करते हो, छी तुम मर नहीं जाते इससे बेहतर। उसके बाद जब एनजीओ की दीदी ने सीनियर पुलिस को कॉल किया तो सीनियर पुलिस ने हमें बुलाया। इसकी मम्मी ने बोला कि ऐसा कभी होता है लड़की लड़की प्यार करती, कभी आपने देखा है मैम ऐसा? तो मैम ने बोला हाँ देखा है, लड़की लड़की देखा है, लड़का लड़का देखा है, कभी अकेले में भी रहते हो और रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है रह सकते हैं, तुम नहीं रहते हो। मैम बहुत गुस्सा हो गई, मैम सबको एक खबर दी कि पुलिस वाले हो कैसे बोलते हो। हाँ ठीक है मैम, हमसे गलती हो गई। सोचा है लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। जैसे हमारे जो गांव वाले हैं हमें याद रखे, हमने बोल के आया है कि हम कुछ करके दिखाएंगे। हमारे लिए तो हमारा दिल मिल गए तो सब मिल गया, मगर इन लोगों के लिए कागज का टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा होगा कि उन लोगों के लिए जो इनकार करते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो हम ये दिखाएंगे कि हमारी भी शादी हो गई। वो फिर भी इनकार करेंगे, इनकार करने वाले, पर हमें थोड़ा तो हेल्प मिलेगा कि हाँ हमारे पास भी है ये कागज का टुकड़ा जिसमें हमें लिखा है कि हम दोनों की शादी हो गई।